नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ए विद्या चैनल, चैनल नंबर 11 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। 11वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हम ये सत्र लेकर आए हैं और आज का हमारा शीर्षक है सूरदास के पद। और हम सभी ने सूरदास को पढ़ा है और हम सभी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आज भी उनके पद गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं और इन पदों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी विशेषज्ञ। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आप हैं डॉक्टर कंचन भारद्वाज, आप प्रवक्ता हैं हिंदी की जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैम से आप मिल चुके हैं और आपको पता चला हमारा आज का शीर्षक। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए या फिर आप कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं सूरदास के बारे में या उनके पदों के बारे में तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559 या फिर आप हमें ईमेल करेंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है dth.class11@cit.nic.in। और अगर आप हमसे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जुड़े हैं यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो आप लाइव चैट बॉक्स पर जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इन तीनों ही माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने सभी सवालों के साथ हमसे जुड़ें और हमारे विशेषज्ञ से अपने सभी डाउट्स और अपने सभी प्रश्न आप पूछें। तो मैम जब तक हमारे बच्चे और हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं हम आपकी तरफ आते हैं। सूरदास के पदों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और सूरदास एक बहुत जाना माना और प्रख्यात नाम है हमारे देश में। हम सभी ने उन्हें पढ़ा है, पसंद किया है, तो इनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सूरदास के बारे में मैम। बिल्कुल रेणु, सूरदास जो है ना वो केवल हमारे देश में ही नहीं विश्व प्रसिद्ध हैं जी। बहुत सारे लोग एक संस्था के नाम से विदेशों में भी मैंने देखा कृष्ण मंदिर हैं और वहाँ भी लोग सूर के पदों पर गाते नाचते दिखाई दे जाएंगे, आपको उनकी फोटो भी मिल जाएगी। सूरदास मध्यकाल के एक बड़े कवि माने जाते हैं, मध्यकाल में भी पूर्व मध्यकाल आप कह सकते हैं। 15वीं सदी में पैदा हुए, 16वीं सदी में मृत्यु हुई। एक और बात है उनके जन्म स्थान के बारे में, कभी आप पढ़ेंगे कि वो रुणकता है मथुरा के पास वहाँ है और कभी आपको लगेगा कि वो सीही हरियाणा में है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय में जो लेखक थे ये लोग, ये तो भक्त थे, कवि थे, तो ये खुद तो अपने जीवन के बारे में लिखते नहीं थे। बाद में जो आलोचक शोधक लोग हुए उन्होंने थोड़ी खोज पड़ताल की उनके पदों को पढ़ करके जानकर, तो उससे ऐसा लगता है कि वो 15वीं सदी में पैदा हुए और 16वीं सदी में मृत्यु हुई। भक्त कवि थे हैं। क्या आपको हमारी पीपीटी में मैं दिखाती हूँ तो आपको कई ऐसे नाम दिखाई देंगे और कई ऐसे बिंदु आप चाहें तो नोट कर सकते हैं आपने बात के लिए कि आप उन्हें रिवीजन करें। तो तुलसीदास का नाम भी आपने सुना है, वो रामचरित मानस में और उनकी दूसरी रचनाओं में आपको लगता है कि वो राम भक्त कवि हैं। हैं आप सूरदास को देखेंगे तो वो कृष्ण भक्त कवि हैं, लेकिन ये वैसे दास भक्त कवि नहीं है जैसे तुलसीदास लिखते हैं। भक्ति परंपरा में सगुण भक्ति शाखा है और निर्गुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति का मतलब है जिस भक्ति में ईश्वर का रूप है, दिखाई देता है, जैसे धनुष्वाण लिए हुए राम है तो मुरली बजाते हुए सिर पे मोर का पंख लगाते हुए कृष्ण हैं। अब इसमें भी आप कहेंगे कि ये जो सूरदास हैं इनको कैसे हम पहचाने, तो बल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग के नायक कवि सूरदास को माना जा सकता है। पुष्टि मार्ग क्या है? जब भक्त अपने ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाए, बस समर्पण भर होने से ईश्वर की अनुकंपा उसकी कृपा भक्त को मिल जाती है। अब ये जो सूरदास हैं बिल्कुल बाल हृदय से उत्प्रुत हैं, क्योंकि जब आप उनके पद सुनेंगे, अभी आपकी 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी जो पद लगा हुआ है बाल सखा, बाल मनोविज्ञान के बिल्कुल कुशल चितेरा, बिल्कुल चित्र खींचने वाले कवि हैं सूरदास। लीला गान करते हैं, बाल लीलाएं लिखते हैं, माता की
मनोभावना लिखते हैं, पुत्र की भावना लिखते हैं, गोपियों की लिखते हैं, सखा की लिखते हैं, प्रेम है, वात्सल्य है, ये सब आपको सूरदास के पदों में मिलेगा। और ऐसा लगेगा कि जैसे सूरदास बिल्कुल देखकर आपको सामने दिखा रहे हैं। संवत 1580 के आसपास 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार अगर देखेंगे तो संवत 1580 के आसपास आगरा मथुरा के बीच उनका जन्म माना जाता है। और हमारे बहुत बड़े एक साहित्य आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि वो उनका जो समय था वो विलासिता से भरा हुआ था, उनका सूरदास का मन वैराग्य से भर गया तो वो भक्ति मार्ग की तरफ चले गए और इस तरह से वो वल्लभाचार्य के शिष्य हुए और पुष्टि मार्ग के भक्त हुए। अब सवाल ये आता है कि क्या कृष्ण ने और राधा की कथा सूरदास जी ने स्वयं बुन ली, तो सूरदास जी ने स्वयं बनाई, या ये कथा पहले से थी? तो जब आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा नया जानने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि भागवत के दशम स्कंद में भी कथा है, हरिवंश पुराण में भी गोपाल और कृष्ण के बारे में चर्चा मिलती है, वायु पुराण में भी मिलती है, गोपी केली क्रीना हरिवंश पुराण में है, और गाथा सप्तसती और पंचतंत्र में राधा का जिक्र है, भगवत पुराण में कंसवध पूतना कथा है। और अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने ये भागवत की कथा को गाया। साहित्यिक परंपरा में अगर आए हैं, संस्कृत परंपरा से लें, तो कृष्ण और राधा जयदेव के यहाँ भी हैं, विद्यापति की राधा भी मिलती है आपको, चंडीदास की राधा भी मिलती है और सूरदास की राधा भी मिलती है। तो आलोचकों ने इसमें अंतर भी किया है कि कैसे सूरदास की राधा, जयदेव की राधा, विद्यापति की राधा, चंडीदास की राधा सूरदास की राधा से अलग है। अब सूरदास की राधा तो ना विद्यापति की राधा की तरह बहुत दीन ही नहीं हो जाती कि कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो अब क्या करें, एकदम दयनीय नहीं होती, वो उनकी लीला में शामिल है, तर्क करती है और तर्क करती है और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, उनसे बातों के रस के लालच में मुरली छुपा लेती है। और यहां आप पद पढ़ेंगे कि मुरली तउ गोपाल भावती, तब भी मुरली कृष्ण को अच्छी लगती है, अभी आपके पाठ्यक्रम में है। इसलिए जब आप कृष्ण के पद पढ़ेंगे सूरदास के लिखे हुए, तो सूरदास के बारे में तीन चार बातें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। सूरदास एक भक्त कवि हैं, सगुण भक्त कवि हैं, वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं और अष्टछाप की परंपरा के कवि हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या नाम मैं अष्टछाप की परंपरा का ले रही हूँ, आप बिल्कुल देखिए हमारे पीपीटी में सामने मौजूद है। अष्टछाप का मतलब आठ कवि थे जो इनके गुरु वल्लभाचार्य ने कुछ अपने पिता के शिष्यों से लिए और कुछ अपने शिष्यों में से, कुंभनदास, नाभादास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। तो सूरदास इसमें प्रमुख रूप से पुष्टिमार्ग के कवि माने जाते हैं। अब कृष्ण के बारे में केवल सूरदास ने लिखा हो ऐसा नहीं है, मीराबाई के ने लिखा, आपने पहले के अपने कोर्स में पढ़ा होगा, 11वीं क्लास से पहले मीराबाई आपके कोर्स में है, रसखान ने लिखा, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो सूर को जब आप पढ़ते हैं, सूरदास जी के पद जब आप पढ़ते हैं और कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, तो ये कुछ बातें आपको बहुत अच्छी तरह बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए कि हाँ इनको आप जानते हैं। सूर कोई अपरिचित नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप केवल ये जान लें कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, बस ये सूरदास का पद हो गया और ये कृष्ण के बारे में जान लिया। तो आप ये भी जानें कि सूरदास की रचनाओं क्या हैं। तीन रचनाएं प्रमुख हैं, प्रमुखता तो सूरसागर, सूरसारावली और तीसरी रचना है सूर साहित्य। अब
सूरदास ने सूर सागर में बाल लीलाओं का वर्णन प्रमुखता से किया। पुष्टि मार्ग के तहत ईश्वर के प्रति पूर्णता चूंकि समर्पित थे तो लीला वर्णन तो मौजूद है। अब आप ये सोचेंगे कि ये किस भाषा में है। खेलन में को काको गुसैया आपका पद आने वाला है अभी, और मुरली तं गोपालें भावती, जो लोग ब्रज क्षेत्र से नहीं है तो वो जरूर उनको लगेगा ये किस भाषा में सवाल हो रहा है, ये क्या बात हो रही है। तो आप अगर, क्या आप जानती हैं क्या ब्रज क्षेत्र की भाषा आप बोल सकती हैं, पहचानती हैं? नहीं मैम, ब्रज भाषा मैं नहीं बोल सकती, और यही मैं आपसे जानने भी वाली थी कि 15वीं शताब्दी में जब उन्होंने रचना की होगी, 15वीं 16वीं शताब्दी में ब्रज भाषा के उसमें किया उन्होंने, तो ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है और क्या ये भाषा आज भी बोली जाती है मैम? हाँ अभी भी, आप दिल्ली से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर चले जाइए तो मथुरा में, और आगे चले जाइए तो आगरा में, और आगे चले जाइए तो धौलपुर मुरैना का जो क्षेत्र है आपको ब्रज बोलते हुए लोग मिल जाएंगे। अच्छा। जैसे आप सामान्य रूप से फोन पर बात कर रही हैं तो वहाँ भी लोग ब्रज बोल रहे हैं। अच्छा। केवल मथुरा वृंदावन की बात नहीं है, आप आगरा क्षेत्र में, मथुरा के क्षेत्र ये धौलपुर में, और इधर आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, एटा, सब ब्रज क्षेत्र है। गंगा, दरअसल अगर आप ठीक से देखें तो गंगा यमुना का जो दुआब का क्षेत्र है वो ब्रज का है, लेकिन ब्रज का फैलाव बहुत है। अब मीरा तो राजस्थान की थी लेकिन ब्रज में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो उस समय ब्रज का क्षेत्र बहुत था। और एक बात और भी है, ये जो हमारा जो हिंदी हिंदुस्तानी का रूप आया उससे पहले ब्रज बहुत, ब्रज भाषा जो है वह व्यापक रूप में अपने विस्तार में थी। तो अब मैं पद जो है वो शुरू करती हूँ ताकि हमारे बच्चे अपने, इससे पहले हमारी एक PPT में मैंने लिखा भी है, आप लोग चाहें तो हमारे कार्यक्रम से नोट कर सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। तो आपको इससे बहुत रुचि आएगी कि अगर आप आगरा मथुरा की तरफ जा रहे हैं और आप उधर कोई सुन रहे हैं मोइना पतो, तो आपको लग पहचान लेंगे कि हाँ ये तो ब्रज में बोला जा रहा है। तो और बिल्कुल आपके कानों को भी अच्छा लगेगा, एक माधुर्य गुण तो है ब्रज भाषा में। तो अभी पद आपके सामने है बच्चों, खोलन खेलन में को काको गुसैया। देखिए जब हम किसी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा से मिलते हैं तो उसमें जो एक मिठास का रस है उसका अनुभव आपको तब होगा जब आप उसको बोलेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने आप बोल कर भी अपने कानों को सुनाइए। आपके सामने पुस्तक है, पाठ है और पद है, तो कोशिश कीजिए, ये पूरा प्रयास आपका होना चाहिए कि आप उसका उच्चारण कर सकें। खेलन में को काको गुसैया, काको गुसैया, गुसैया जब आप बोलें तो अनुस्वार चंद्रबिंदी का ख्याल रखें। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत कर तरसैया, जाति पाति हम तय बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठे ही करे तासो को खेले, रहे बैठी जहते गवैया, सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। आपको सुनने में पढ़ने में जरूर अच्छा लग रहा होगा, गुसैया, रिसैया, छैया, गैया, गवैया, दुहैया। अब ये जो देखिए इसको कहेंगे अंत्यानुप्रास में, अंत में आपको अनुप्रास अलंकार और दूसरे अलंकारों के बारे में भी बताऊंगी, मगर आप बोल के देखिए, गुसैया, रिसैया, छैया, गैया, गोया, दुहैया, अच्छा लग रहा है। तो आप इसका पाठ खुद बोलकर जरूर करें अर्थ जानने से पहले, तो कानों को बड़ा माधुर्य मिलता है, अच्छा लगता है। अब आप देखिए इसके अर्थ पर जाने से पहले जो कुछ कठिन शब्द हैं पहले आप उधर समझिए। खेलन में को काको गुसैया हरी हारे, अब ये हरी कौन है? कृष्ण है। जीते श्रीदामा, श्रीदामा कौन है? सुदामा, सुदामा है। तो सुदामा कौन है? जो उनके मित्र था। हाँ, उनके बयाल सखा मित्र हैं। बरबस ही कत करत रे सैया, तो बरबस माने व्यर्थ ही, गुसैया माने स्वामी, रिसैया
क्रोध करना, बरबस ही कत करत रिसैया, व्यर्थ ही रिसैया मनी क्रोध कर रहे हैं, व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। दाव दियो, दाव देना अपनी पारी खेलना। अब वापस आप पद की तरफ आते हैं जी। खेलन में को काको गुसैया, खेल खेल में कौन किसका स्वामी हो सकता है? खेल में एक जीतेगा एक हारेगा जी, सीधी सी बात है। अब हरि हारे जीते सुदामा, कृष्ण हार गए हैं और सुदामा जीत गए हैं, तो कृष्ण तो हारने के बाद गुस्सा होकर बैठ गए, नाराज होकर बैठ गए। बरबस ही कत करत रिसैया, बिना कारण व्यर्थ ही गुस्सा होकर बैठ गए। अब देखिए बच्चे जरूर हैं, लेकिन बच्चों में तर्क बहुत होता है, वो बिल्कुल तर्क कर रहे हैं कि जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बस तुम्हारी छैया। सुदामा कह रहे हैं, क्योंकि सुदामा तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मित्र हैं उनके, जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, कृष्ण यादव है ब्राह्मण है सुदामा, हम ब्राह्मण है, ना ही बस तुम्हारी छैया, ना तुम हमारे मालिक हो कि हम तुम्हारी छत्र छाया में जीवन यापन कर रहे हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अब एक ही बात से जो है वो तुम ज्यादा अधिकार दिखा सकते हो कि तुम्हारे यहाँ गाय हमसे ज्यादा है, क्योंकि कृष्ण तो नंद बाबा के यहाँ थे, नंद बाबा के यहाँ गाय ही गाय है, दूध दही की नदियां बह रही है, तो बस एक ही बात से तुम बहुत अपना अधिकार जता सकते हो कि गायें तुम्हारे आम से ज्यादा हैं। कृष्ण और सुदामा जो है वो गरीब ब्राह्मण परिवार से हैं, तो बस एक ही बात उत्तर देते हैं कि क्यों तुम इतना गुस्सा होकर बैठे हो, हार गए हो तो खेल में हार जीत है। रूठ ही करे तासो को खेले, अब जो रूठ जाए तासो को खेले मतलब उसके साथ कौन खेले, को मतलब कौन, रहे बैठ ही जहते गोइया। अब जब बाकी जो ग्वाल है वाले जब खेल बंद ही हो गया तो वो भी इधर उधर जाके बैठ गए, अब खेल बंद। अब जब खेल बंद हो गया तो बच्चे को ये भी अच्छा नहीं लगता, बाल कृष्ण को ये भी नाराजगी मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि खेल बंद हो गया सब लोग बैठ गए हैं। सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, अब सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु माने कृष्ण अब खेलना चाहते हैं, तो अब क्या करें, अभी तो गुस्सा थे घूट गए बैठ गए खेल बंद हो गया, अब खेल को दोबारा शुरू कराना चाहते हैं, तो एक युक्ति निकालते हैं एक तरीका निकालते हैं, कहते हैं ठीक है तुमने दाऊ का नाम लिया तो मैं जो है वो नंद बाबा की दुहाई दी है ना तुमने कि तुम्हारे यहाँ गाय अधिक है तो मैं अब ठीक है अपनी पारी खेलता हूँ, तो नंद बाबा की दुहाई दे करके एक बहाना ले करके वो फिर से अपना खेल जो है वो शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि बाल मनोविज्ञान का कितना सुंदर चित्रण है, रूट भी जाएंगे तर्क भी दे रहे हैं और उसके बाद जो है दोबारा खेल जो उनको शुरू करना है तो उसमें भी कैसी युक्ति निकालते हैं कि हमारा अपना मान भी बच जाए और दोबारा हमारा खेल भी हो जाए। तो इसलिए कृष्ण को सुदामा सॉरी सूरदास को ऐसे ही तो जो है वात्सल्य का कवि नहीं कहा जाता, बाल मनोविज्ञान के श्रेष्ठ कवि सूरदास है। दूसरा जो पद है मुरली तऊ गोपाल ही भावती, मुरली तऊ गोपाल ही भावत, गोपाल मतलब कृष्ण और मुरली आप जानते हैं बांसुरी, आप भी बांसुरी कभी सुनती होंगी जी। तो अभी भी कानों को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, देर तक आप उसको बैठकर सुनकर ध्यान में मग्न हो सकते हैं। बिल्कुल, उसका स्वर बहुत ही बहुत सुंदर होता है जी। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, यहाँ जो गोपियां हैं वो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। अब कृष्ण हैं कि वो अपनी मुरली को बजाने में व्यस्त हैं, उसी में आनंदित हैं, गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं, कृष्ण जो है वो मुरली बजाने में व्यस्त हैं, तो गोपियां जो हैं वो अब उनके तर्क देखिए कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुन रही सखी, अपनी एक सखी से कह रही हैं, यद्यपि नंद लालई नाना भांति नचावती। इसको भी आप अच्छे से पाठ कीजिए, पहले खूब अच्छी तरह पढ़िए, मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुन री सखी यद्यपि। अब देखिए बाई मात्राओं का ध्यान आप जो है पढ़ते हुए रखिएगा, यद्यपि यद्यपि आवाज को आप यद्यपि नहीं पढ़ेंगे, सुनी नहीं पढ़ेंगे, सुनी री सखी यद्यपि नंद लालई नाना भांति नचावती राखती एक पांव ठाड़ो करी,
जब कृष्ण मुरली बजाते हैं ना, तो एक पैर पे खड़े, आप उनकी फोटो देखिएगा कोई या मूर्ति, तो वो एक पैर उनका पीछे घुमा हुआ है, एक ही पैर पर सारा वजन है। राखत एक पांव ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भ्रकुटि कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करवावती, सूर प्रसन्न जान एकोचिन, धरते शीस डुलावती। यहाँ भी आप देखिए, भावती नचावती जनावती आवती नवावती पलुटावती डुलावती, ये अंत्यानुप्रास है। जब आप अंत में आपको एक जैसी ध्वनि आवृत्ति मिल रही हो एक वर्ण की, तो वो अंत्यानुप्रास है। आप जब काव्य सौंदर्य लिखेंगे, तो अभी मैं आपको अंत में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगी, तो आपको पढ़ने में ये जरूर अच्छा लगेगा। पहले इसका पाठ जरूर आप अपने आप कीजिएगा। मुरली तव गोपाल भावती, तब भी मुरली गोपाल को कृष्ण को अच्छी लगती है। आप इसके भी शब्दार्थ देख लें, बिल्कुल देखिए, मुरली तव गोपाल भावती, तव मैंने तब भी, गोपाल को मैंने कृष्ण को अच्छी लगती है। सुनरी सखी जदपि नंदलालय, जबकि ये नंदलाला को यानी कि कृष्ण को नाना भांति नचावती, तरह तरह से उनको नाच नचावती है, नाच नचाती है। राखत एक पांव ठाड़ो करी, क्योंकि कृष्ण नाचते हुए एक पैर पे खड़े रहते हैं, एक पांव ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती। अब देखिए, कटि का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, कटि माने कमर, कमर। अति आधीन सुजान कनौड़े, और वो चतुर जानकर कि अब तो ये सुजान कनौड़े माने अपने आप कृष्ण को अपने बिल्कुल कृपा से दबा हुआ जब समझती है बांसुरी, और ये जानती है कि ये तो अपने आप को बहुत चतुर समझती है। अति आधीन कि अब तो बस ये मेरे अधीन हो गए, मेरे नियंत्रण में हो गए। गिरधर नार नवावती, तो गिरधर कौन? अब देखिए अंतर कथाएं हैं, सुदामा की अंतर कथा है, गिरिधर जिन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया, गिरि माने पर्वत, धर मतलब धारण करना, तो जिन्होंने अपनी उंगली पर ब्रज क्षेत्र वासियों को बचाने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए उंगली पर पर्वत धारण किया। आपने बहुत तस्वीरें देखी होंगी, कहानी नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि वो, इसलिए उनको गिरधर कहा जाता है कृष्ण को। तो गिरधर, गिरधर नार नवावत। अब नार जो शब्द है ना, इसमें दो अर्थ हैं, नार माने गर्दन, गर्दन टेढ़ी करवाती है, और दूसरा यहाँ नार स्त्री की बांसुरी जो है, मतलब एक स्त्री के यहाँ पे स्त्री का भी अर्थ है। तो आज जब अलंकार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है, एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, शब्द एक ही बार प्रयोग हो रहा है लेकिन दो अर्थ आते हैं, तो वो श्लेष अलंकार है। हम पर कोप करवावती, कोप माने क्रोध, और ये सब करके नए हम पर कृष्ण से क्रोध करवाती है। तो अब आप शुरू से इसका जो है वो अर्थ समझिए कि मुरली तऊं गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालय, नाना भांति नचावती, राखती एक पांव ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, खूब उन पर अपना अधिकार जमाती है, कोमल तन आज्ञा करवापति, और कृष्ण का कोमल शरीर है, उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, कटि टेढ़ो है आवती, और उनकी कमर टेढ़ी करवाती है, क्योंकि कृष्ण थोड़ा टेढ़ा होकर बांसुरी बजाते हैं, आप उनकी फोटो देखें तो, अति आधीन सुजान कनौड़े, और जब ये मान लेती है कि कृष्ण पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ गए हैं, तब ये चतुर मुरली गिरिधर नार नवावती, ऐसे कृष्ण जो पर्वत को भी अपनी उंगली पे धारण कर सकते हैं और किया है जिन्होंने, उनकी गर्दन को ये टेढ़ा करवा लेती है। आपुनी पौड़ी अधर सज्जा पर, और यही बात खत्म नहीं होती, आप पौड़ी माने लेटना, आपुनी पौड़ी अधर सज्जा पर, अधर माने होठ, अधर सज्जा यहाँ पे है होठ रूपी सैया, और उनके होठों पर लेटकर कर पल्लव पलुटावती, कर पल्लव, कर माने हाथ, पल्लव माने पत्ता, तो यहाँ देखिए रूपक अलंकार आएगा, पत्ते रूपी कोमल कोमल उनके हाथ, और उन हाथों को अपने ऊपर पलटवाती है, जैसे अपने ऊपर
सहला रही है उनकी अपनी कोई, जैसे आप कहें कि मसाज हो रही है, तो ये आनंद करती है उनके होठों रूपी सैया पर भ्रकुटी कुटिल। और फिर इस पर भी चैन नहीं आता तो भ्रकुटी मैंने भौएं टेढ़ी करके और नैन नासापुट, जिसमें उसके जिसमें नथुने फड़कने लगते हैं। जब आप देखिए गुस्से में कोई हो तो उसकी भाव मुद्रा आप देखिए कि भौएं टेढ़ी हो गई हैं और नथुने फड़कने लग गए हैं, तो भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करवावती, हम पर क्रोध करवा। दरअसल होता है जब वो बांसुरी बजा रहे होते हैं तो बांसुरी बजाने में भी जो है नथुने फड़कते हैं, थोड़ी सी भौंहें टेढ़ी होती तो गोपियां समझती हैं कि ये ऐसा बांसुरी उनसे करवा रही है, इसलिए वो गुस्से में उनके भाव मुद्रा ऐसी बदल रही है। सूर प्रसन्न जानी एक ओछिन, और सूरदास कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी कृष्ण को प्रसन्न चित्त जानती है तो भी फिर भी उनसे उनका शीश डुलवाती है, सिर उनका हिलवाती है। तो ये गोपियाँ जो हैं वो मुरली से बहुत ईर्ष्या भाव रखती हैं, और देखिए ईर्ष्या भाव जो है वो बहुत यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उस पर अपना अधिकार रखते हैं। और जब गोपियों को लगता है कि ये कृष्ण तो हमेशा जो है मुरली ही बजाते रहते हैं तो ये मुरली का इस पर ज्यादा अधिकार है। तो पूरा भाव वर्णन चित्रण इस पद में आपको मिलेगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ कि जो काव्य सौंदर्य है उनका, कि कैसे जो आपने दोनों पद पढ़े हैं उनका आपको उन काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। तो आप देखिए हमारी स्लाइड पर कि रस है, श्रृंगार रस है इसमें, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम भाव में हैं और श्रृंगार को तो रसों का राजा कहा जाता है, और प्रेम भाव जहाँ है तो भक्ति माधुर्य भी है। और जो हमने पहला पद पढ़ा था उसमें आप कह सकते हैं कि व्यंजना है, तर्क है उसमें, और गाए भी जा सकते हैं ये पद, और ब्रज भाषा में है ये चर्चा तो हमारी जो है वो शुरू से चल रही है। रसों के बारे में आपको जानना चाहिए, रस क्या है और कितने हैं। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, भरत मुनि का ये श्लोक, उन्होंने 8 रस बताए हैं, फिर बाद में फिर उसमें 2 रस और जोड़े गए जिसमें श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि श्रृंगार रस को ही रसों का राजा क्यों कहा जाता है, रस तो 9 है, श्रृंगार है, वीर है, हास्य है, करुणा है, रौद्र है, अद्भुत है, विभत्स है, भयानक है, शांत है, वात्सल्य और भक्ति। श्रृंगार इसलिए रसों का राजा है कि जब आप किसी प्रेम में होते हैं तो प्रेम में गुस्सा भी करते हैं, प्रेम में उसके प्रति भक्ति भी है, जब वो नहीं आपके पास होता है तो दुख में करुणा भी है, कभी कभी ओजस्वी वाणी भी है। तो इसलिए जब श्रृंगार में चूंकि सभी रस इस तरह समाहित हो जाते हैं, कभी कभी आप भय भी खाते हैं कि वो, तो इसलिए उसको हम रसों का राजा कहते हैं। तो आपने ये जो 2 पद पढ़े इसमें श्रृंगार है, भक्ति है, वात्सल्य में है, क्योंकि हम जब कृष्ण को ऐसे रूठते और फिर अपने आप चालाकी से दोबारा खेल शुरू करते देखते हैं तो हमें थोड़ा प्यार दुलार भी आता है, और तर्क व्यंजना है क्योंकि सुदामा बकायदा तर्क कर रहे हैं कि भाई क्यों तुम रूठ के बैठे हो, क्या कारण है, तुम हमारे स्वामी कैसे हो सकते हो, खेल में हार जीत तो स्वीकार करनी पड़ेगी। गोपियों के तर्क हैं कि देखो कृष्ण फिर भी मुरली बजा रहे हैं जबकि मुरली उनको इतना कष्ट दे रही है। गोपियां एक से एक नया तर्क निकाल के लाती हूँ, और गोपियों के और तर्क देखने हो तो आप भ्रमर गीत सार पढ़ें, और या अगर आपने पढ़ा होगा तो ईर्ष्या भाव है, खेल भावना है, तर्क की बात इन पदों में आपने देखी है। अब आपसे बात करती हूँ मैं अलंकारों की, क्योंकि इसमें अलंकार आए हैं, मैंने इसका जिक्र आपसे किया है। तो कुछ अलंकार आपने 10वीं क्लास में जरूर पढ़े होंगे, 10वीं कक्षा से आप पढ़कर आए हैं, जिसमें 9वीं में 10वीं में अलंकार पढ़ाए जाते हैं। तो बहुत शुरुआती दौर का अलंकार है अनुप्रास, शब्द अलंकार जिसको मानते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है
जैसे आपने बहुत उदाहरण पढ़ा होगा, तनि तनुजा तट तमाल तरुवर उछाए, अगर मैं आपको भूषण की कविता से उदाहरण दूं, ऐल फैल गैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उल सत हैं, आपको सुनने में मजा आएगा। और पूरा चाहे पंक्ति याद ना हो लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि इसमें ला 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 बहुत बार आ रहा है ना, तो आप बोल कर देखेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। या आप कह सकते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात, तो बिहारी का है, आपको कुछ और याद ना रहे लेकिन ता 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 बार बार बोला जा रहा है। तो जब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो आप बिल्कुल निसंकोच कह दीजिए कि ये अनुप्रास अलंकार है। तो इस पद में दो बार आए, अति अधिकार जनावत याते और अति आधीन, तो वो दोनों अनुप्रास है। और अंत्यानुप्रास मैंने आपको दोनों पदों में बताया है कि अंत में पढ़ते हुए जब आपको अंतिम वर्ण एक जैसा मिलता है तो आपको वो अंत्यानुप्रास वहां आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। भावती नचावती जनावती आवती नबावती, ये आया था आपको वहां, मैंने इसको बताया। रूपक अलंकार आप कह सकते हैं कर पल्लव, जहां पर आया था कि हाथों को पत्ता रूपी, तो कर पल्लव, तो वहां आप रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, अब आप देखिए बांसुरी को स्त्री समझती हैं गोपी कि ये स्त्री कृष्ण से अपनी सेवा करा रही है, उनकी होंठों रूपी सैया पर लेटी हुई है, उनकी कोमल पत्ते जैसी कोमल उंगलियों को अपने ऊपर सहलवा रही है। तो बांसुरी को मतलब आप, बांसुरी तो वाद्य यंत्र है, उसको एक स्त्री जैसी कल्पना करके उससे आप ईर्ष्या कर रही है, तो उसको मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर श्लेष आपको मैंने बताया जहां पर आया था कि नार तो गर्दन भी है उसका अर्थ, और स्त्री भी है तो श्लेष अलंकार भी है। और सूरदास के यहाँ तो उपमाओं के रूपक के तरह तरह के उदाहरण आपको मिलते हैं, तो आप जहाँ भी पढ़ेंगे मैया मोरी मैंने माखन खायो, तो आपको वहाँ कृष्ण वैसे दिखाई देने लग जाएंगे। और कृष्ण हठी तो है, एक और बात है जो पहला पद आपने पढ़ा है ना, खेलन में को काको गुसैया हरिहारे जीते श्री दामा रूट कर बैठ जाना, जिद्दी बड़े भाई से उन्होंने खूब हट दिखाया उनके सामने, दिखाया अपने मित्रों से, और वैसे भी अपनी माँ से भी, माता यशोदा से भी जो है वो जिद कर देते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ जी, तो बहुत देर उलाना करके जब फिर माँ नहीं समझ पाती तो आखिर वो थाली में पानी भर के और उनको चांद दिखाती है। तो कृष्ण के का जिद्दी स्वभाव इसमें है, तो वो आप आपको दिखेगा। और सूरदास का जो बाल चरित्र चित्रण है, गोपियों का जो प्रेम भाव है और जो तर्क वितर्क की भावना है, वो सब आपको इन दोनों पदों में दिखाई देती है। तो अभी आपका पूछिए, कोई प्रश्न है आपका तो पूछिए, नहीं तो आगे की भी स्लाइड जरा मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आपको बांसुरी दिख रही है और कृष्ण भी दिख रहे हैं, और आगे चलिए थोड़ा तो आपको हमारे जो बांसुरी वादन के कलाकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, वो हम सब उनके नाम से परिचित हैं और आपको जरूर उनकी बांसुरी सुननी चाहिए। मैं वापस आपको पद की तरफ ले चलती हूँ ताकि यहाँ आपको कोई प्रश्न अगर आ रहा है आप जरूर हमसे प्रश्न पूछिए। हम अपने सभी देखने वालों से एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो, सूरदास के पदों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, और सबसे त्वरित माध्यम है हमसे हमारे यूट्यूब पर मैसेज करके हमसे जुड़ने का। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे जो है NCERT ऑफिशियल, वहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में आप अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे सभी सवाल पूछ सकते हैं। हमें पता है कि काफ़ी संख्या में हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ के साथ साझा करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सूरदास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उनके पदों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें। और मैम यहाँ पर अगर हम आपके पास दोबारा आएँ, जैसे आपने कहा था कि ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है, तो ब्रज भाषा के और भी लेखकों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। आप देखिए मैं आपको अपनी वापस स्लाइड पर ले चलती हूँ, उसमें बहुत सारे ब्रज भाषा के कवियों के नाम हैं। ये आप हमारी स्लाइड शो कीजिए जी। तो आप तुलसीदास का नाम लेती हूँ आपके लिए सबसे पहले। अभी आप सब ज्यादातर लोग समझते हैं कि तुलसीदास जो हैं वो
राम भक्त कवि हैं और अवधि में रामचरितमानस लिखी गई है, तो ये जो है वो अवधि भाषा के ही कवि हैं, पर आप पढ़िए तो वो ब्रज भाषा में भी उतना अच्छा लिखते हैं। दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है। सूरदास तो है ही है, मीरा कृष्ण भक्त है, मीरा है ही है, केशव के यहाँ भी मिलता है, रसखान के यहाँ मिलता है, ब्रज में बिहारी है, मैंने अभी आपको कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात सुनाया, वो भी लिखते हैं, रहीम रहीम हो गए तो वो भी लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको कवि हैं जो ब्रज भाषा में मिल जाते हैं, और गद्य में लिखा जाता है ब्रज। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज भाषा में लिखा, बहुत उनकी रचनाएं जो हैं ब्रज में मिलती हैं। और आप पूछ सकते हैं कि कृष्ण के बारे में और किसने लिखा, तो अभी आपने पूछा ही है मुझसे, तो जयदेव ने, राधा जो इसमें आप कृष्ण राधा का भाव हमेशा ही देखेंगे जी, तो मैम विस्तार में हम आपसे जानना चाहेंगे जी। जी बिल्कुल, तो जयदेव की राधा, विद्यापति की राधा, सूरदास की राधा, आप इनकी राधा में बिल्कुल अंतर समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, विद्यापति के यहाँ जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो दयनीय भी कहीं कहीं हो जाती है विरह में, बिल्कुल एकदम कृशकाय हो जाती है, लेकिन सूरदास के यहाँ बिल्कुल वैसी राधा नहीं है। उनके यहाँ वो तर्क करती है, बात करती है, करुण तो लगती है आपको, लेकिन दयनीय नहीं दिखती। जयदेव के यहाँ राधा जो है वो एक अलग तरीके से आपको दिखाई देगी। तो जब अभी तो 11वीं क्लास में बच्चों को उतने सूक्ष्म ज्ञान पर नहीं जाना है, अगर कोई प्रोजेक्ट मिले तो दूसरी बात है, नहीं तो लेकिन आगे जाके जब आप और उच्च माध्यमिक शिक्षा में के लिए जाएंगे तब आपको इन पर बहुत विस्तार से भी जानने में बहुत आनंद आएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई लोग ये सोचते, मैंने शुरू में बताया भी था इस बात को, कई लोग ये सोचते हैं कि जो ये कथा है ये भागवत पुराण से ली गई है, और या जो जैसा सूरदास जी ने देखा होगा तो वैसा लिख दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ पहले से ही कथाएं दल, जबकि ब्रज भाषा का साहित्य जब शुरू होता है शुरुआती दौर में, तब ये कथाएँ मौजूद थी, बिल्कुल मौजूद थी। दशम स्कंद में मिलती हैं, हरिवंश पुराण में मिलती हैं, वायु पुराण में मिलती हैं, गाथा शब्द सती में मिलती हैं, पंचतंत्र में मिलती हैं, कंसवत पूतना कथा मिलती है। तो ये जो चली आ रही थी कथाएं, सूरदास ने उनको गाया जी, और गाया और उनमें बिल्कुल उनकी चित्रात्मक बाल लीला लिखी। अगर आपके क्षेत्र में कहीं रास लीला होती हो, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है कि नहीं, मैंने तो अपने बचपन में बहुत रासलीलाएं देखी हैं। तो हमारे क्षेत्र में रासलीला के कलाकार आते थे और वो पूरा कृष्ण का पूरा बचपन जो है वो वहाँ, और उनकी रासलीलाएं दिखाया करते थे, गोपियों के साथ उनकी लीला दिखा रहे हैं, तो ये उससे आप जुड़ते हैं। अब मैं बच्चों के लिए एक और बात यहाँ पे छोड़ना चाहती हूँ जो आप देखें, क्योंकि ये बांसुरी का एक पूरा पद आपने पढ़ा है, ये देखिए एक वाद्यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें भी बिल्कुल उसी तरह बांसुरी जैसे जो है वो पाइप है। तो आप जरा खोजिएगा कि ये किस देश में है, क्या नाम है, देश का नाम भी मैं बता देती हूँ आपको, ये दक्षिण अमेरिका में है का ये वाद्यंत्र है, तो आप नाम जरूर खोजिएगा। ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि जब आप कुछ भी शब्द पढ़ रहे हैं तो यानी कि उसमें संगीत है। फिर सवाल आता है कि मुरली तऊ वो पाले भावती, कि कितना ये मुरली कृष्ण को सता रही है, आखिर क्यों कृष्ण को इतना इस मुरली से प्रेम, प्यार है, क्यों इतना प्रेम है? तो प्रेम तो होगा ही, प्रेम तो है ही, संगीत है ही ऐसी चीज कि आपको कोई वाद्यंत्र, संगीत क्या, आप मान लीजिए खिलाड़ी हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, जो भी काम आपको बहुत पसंद है, तो उसमें चाहे कितना भी कष्ट मिलता है आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो इसी तरीके से जिससे भी आपको प्रेम है वहाँ कष्ट भी अगर है तो आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण बांसुरी में रचित, और बांसुरी की धुन मैंने नाम लिया एक कलाकार का, आप और भी ढूंढ ढूंढ कर उनको सुन सकते हैं, और बांसुरी की धुन में रम के देखिए उसको, उस आनंद में उतर के देखिए कि कृष्ण को क्यों मुरली अच्छी लगती थी, और क्यों गोपियाँ ये कहती हैं कि इतना वो मुरली उनको परेशान करती थी, फिर भी जो है वो कृष्ण मुरली
बजाते हैं, एक और बात है। ठीक है कि गोपियाँ इस पद में मुरली से ईर्ष्या करती हैं, लेकिन दरअसल चाहती यही है कि कृष्ण मुरली बजाते रहें और वो उसकी धुन सुनकर उस आनंद में मग्न रहें। ये भी आपको जानने को मिलेगा। और कोई आपका सवाल है तो, नहीं तो मैं दोबारा आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ। पूछिए कोई सवाल। मैम, हम भी आपसे काफी बातें जानना चाहेंगे और हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि जो पद आप हमारे बच्चों के लिए लाए थे वो एक बार दोबारा उनके सामने दोहरा दीजिए ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। सुना देती हूँ क्योंकि मुझे पाठ में बड़ा लगता है कि सारा अर्थ और सारा आनंद उसके पाठ में समाहित है। अगर आप उसको अच्छी तरह उच्चारण करके बोलेंगे तो वो उस आनंद की तो बात ही अलग। पहले मैं मुरली वाला ही करती हूँ क्योंकि वो मुरली से ही शुरू हुआ था। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। मुरली तऊ, मैंने फिर पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ, वाचन में आनंद है और वाचन में पूरा अर्थ समाहित है। सिर्फ जो कठिन शब्द है उनके अर्थ अगर आप जान लें तो वाचन में बहुत आनंद है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनिधि सखी जदपि नंद लालही, नाना भांति नचावती, राखति एक पांव ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भ्रकुटी कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करवावती, सूर प्रसन्न जान एकौछिन, धरतय सीस डुलावती। अब दोबारा पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ समझिए। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, मुरली तब भी कृष्ण को अच्छी लगती है जबकि वो सुनो सखी, जबकि वो नंदलाल कृष्ण को इतनी तरह तरह से नाच नचाती है, इतना कष्ट देती है, राखती एक पांव ठाड़ो करी, एक पैर पे खड़ा करती है, उन पर इतना अधिकार जनाती है, उनके कोमल तन से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, कटि टेढ़ो है आवती, और कमर उनकी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि टेढ़ी कमर करके उनसे बांसुरी बजवाती है, अति आधीन सुजान कनौड़े, और जब उन्हें बिल्कुल अपने अधीन समझ लेती है, बिल्कुल अपने नियंत्रण में समझ लेती है, तब ये चतुर मुरली गिरिधर नार नवावती, तब वो गिरिधर गिरी उठाने वाले माने पर्वत उठाने वाले कृष्ण को उनकी गर्दन भी झुकवा लेती है, बिल्कुल नमन करवा लेती है। इतनी चतुर ये नार ये बांसुरी है। स्त्री भी कह रही है, चतुर स्त्री भी कह रही है, और नार माने गर्दन भी कह रही है। आपुन, और यही इसकी बात खत्म नहीं होती, देखिए ईर्ष्या की और पराकाष्ठा देखिए। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, अपौड़ माने लेटना, आपुन माने खुद स्वयं, और स्वयं उनकी अधर सैया माने होठों रूपी, क्योंकि मुरली तो यहाँ बजाते हैं ना होठ पर, तो वो स्पर्श करती है, अधर रूपी सैया पर लेट जाती है, और फिर उसके बाद उनके पत्ते जैसे कोमल हाथों से अपने ऊपर चलवाती है, क्योंकि बांसुरी पर उंगलियां फेरो कर ही तो बजाते हैं ना उसको, तो उस पर लेट कर उनके पत्ते जैसे कोमल हाथों को अपने ऊपर सहलाती है, भ्रकुटी कुटिल, और फिर भी इसको तय चैन नहीं आता, तब भी उसके बाद भी ये मुरली आगे क्या करती है कि भ्रकुटी कुटिल भावों को टेढ़ा करवाती है, नयन नासापुट, और जो नथुने हैं नासापुट और आँखें उनसे हम पर गुस्सा करवाती है। ये कह रही है कि ये बांसुरी हमारे प्रति कृष्ण को भड़काती है। सूर प्रसन्न जान ये कोचिन, अब सूरदास अंत में पद के अंत में नाम आता है, सूर प्रसन्न जान ये कोचिन, धरते शीश डुलवावती, और एक भी क्षण उनको प्रसन्न जानती है तो फिर उनकी गर्दन हिलवावती है। ये इतना कृष्ण को परेशान करती है बांसुरी, फिर भी ये कृष्ण को अच्छी लगती है। तो बच्चों, आप लोग भी जब ये जानना चाहें कि इतना होने के बाद भी कृष्ण को क्यों अच्छी लगती है, तो जरा बांसुरी को कहीं सुन के देखना। मैम, सुन के भी देख सकते हैं, मुझे लगता है कि अपना स्वयं का अनुभव ले सकते हैं, बचा के भी आप देख सकते हैं।
बिल्कुल, आप बांसुरी बजा वादन भी करें, सीखें भी, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। फिर आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा कि मुरली और कृष्ण को क्यों अच्छी लगती है। और अगर आप देखें तो जो हमारे कई और भी ईश्वर है ना, तो कोई ना कोई वाद्यंत्र सबके पास है। जैसे सावन चल रहा है तो शिव की भक्ति चारों तरफ आप देख रहे होंगे, तो शिव जी क्या बजाते हैं? डमरू। शिव जी डमरू बजाते हैं। गणेश जी क्या बजाते हैं? गणेश जी पखावज। हाँ, आपने कभी कभी तबला बजाते हुए भी उनकी मूर्ति देखी होगी। तो और सरस्वती जी क्या बजाती हैं, जो हमारी विद्या की देवी, संगीत की देवी मानी जाती हैं? वीणा। तो सभी मतलब कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र किसी ना किसी मतलब रूप में हर ईश्वर के पास हमारे यहाँ मौजूद है। और वैसे भी आप कहीं बाल मेला में कहीं गई हैं, बच्चों के मेले में, जहाँ मेला कहीं भी चल रहा है, कहीं भी बच्चों का क्या, कोई भी लोक मेला आपका चल रहा है, तो उधर आपको दो चीजें जरूर मिलेंगी, एक गुब्बारे वाला और एक बांसुरी वाला। तो बजाना आए ना आए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जो है वो बांसुरी खरीदते हैं और इसको बजाते हैं, तो ये आनंद देता है। और गोपियां इसको अपने प्रेम में बाधा समझती हैं, इसलिए उसको जितना चली खोटी सुना सकती हैं और करती हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, इसलिए तो गोपियां जो हैं वो मुरली छुपा के रख लेती हैं। मतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बातों के रस के लालच में, कि अब मुरली छुपा लेंगे तो कृष्ण आएंगे, बातें करेंगे, तो बातों के रस के लालच में भी गोपियां मुरली छुपा लेती हैं। तो जब इसी बहाने हमें कृष्ण से बात करने का मौका मिलेगा। तो जब आप इसको पढ़ें तो मुरली पर विशेष रूप से जरा सोचे, उसको सुने। और इसका पहला पद भी मैं आपको सुना दूं फिर से? जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल बच्चों को याद हो जाता है, एक बार में तो याद नहीं होता है बिल्कुल, कि आपको भाषा के साथ भी थोड़ा जो समझना है और आपको कथा भी जाननी है और उसके रस से सराबोर भी होना है। तो एक बार और सुनिए जरा। खेलन मेको काको गुसैया, खेलन मेको काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रसैया, जाति पाति हम तय बढ़नाई। अब देखिए जब आप बोल रहे हैं ना तय, अब हम तय आय की मात्रा है, अनुस्वार भी लगा है। जाति पाति हम तय, जब इसलिए जब आप पढ़े ना, उच्चारण करें तो ऐसे पढ़िए, आपको आनंद भी आएगा, क्वर्ड भी समझ में आएगा। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हम तय बढ़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। जाति पाति उस समय भी थी, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही दिखाई देती है। उस समय भी थी, जाति पाति हम तय बढ़ नाही, कृष्ण यादव और सुदामा ब्राह्मण। लेकिन एक बात है, अगर आप इसकी अंतर कथा जानती हैं कि कृष्ण और सुदामा का जो जो मित्रता थी वो जगत विख्यात है जी। कि जब एक बार सुदामा बहुत गरीबी का जीवन जी रहे थे, मैं आपको यही सुना भी देती हूँ, तो कृष्ण उनकी पत्नी ने कहा कि कृष्ण तुम्हारे मित्र इतने बड़े राजा हैं, तो द्वारकाधीश हैं, तो जाकर के उनसे कुछ आप मदद ले आइए। तो अब सुदामा को बड़ा संकट है कि कैसे खाली हाथ अपने मित्र से संकोचवश कैसे जाए, कैसे मैं उनसे कुछ मदद के लिए हाथ फैलाऊं। तो कह रहे मिलने तो जा सकता हूं, लेकिन ऐसे तो मांगना तो ठीक बात नहीं है। और तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसे भी जाएंगे तो कृष्ण तो अंतर्यामी पुरुष हैं, सब समझ जाएंगे, तो अब खाली हाथ जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो 3 मुट्ठी चावल उन्होंने कृष्ण को भेंट देने के लिए दिया, तो वो लेकर के पहुंचे और द्वारपाल ने रोक दिया उनको। जब वो वहां महल के सामने गए तो कहा कि ये कौन गरीब ब्राह्मण, ने कहा कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, वो मेरे सखा है बचपन के। तो उन्होंने कहा कि ये गरीब ब्राह्मण कहाँ से आया है और कैसे जो है कृष्ण का मित्र हो सकता है। कहा कि नहीं, जाके संदेश दीजिए। तो संदेश जब जाके उनका द्वारपाल लेकर गया, तो जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, नंगे पांव आंसुओं से भरे हुए भागते भागते चले आए द्वार पर, और वो तो किसी से कह सकते थे जाओ बुला लो, लेकिन खुद चले गए। और वाप जब उनको बुला के लाए, अपने सिंहासन पर बिठाया, और जब उनको जो थाली लाई गई उनके पांव धोने के लिए, सम्मान में ऐसे ही किया जाता था हमारे यहाँ कि किसी को जो बाहर से आया उसके पांव धोए जाएं, तो जो पानी परात को हाथ छुओ नहीं,
आप पढ़िए कभी, ये पद है पूरा, आप बच्चों को पढ़ना चाहिए। शीश पगा न झगा तन में, तो पूरा पद है, इसमें यही पंक्ति है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात में लाया गया था पांव धोने के लिए, उसको छुआ भी नहीं, आंसुओं से जो जलधारा गिर रही थी उसी से उनके पांव धुल गए। और फिर उसके बाद कृष्ण तो, सुदामा तो इतना भव्य महल देखकर घबरा गए, तो उन्होंने सोचा ये तीन मुट्ठी चावल मैं क्या भेंट करूं, लेकिन कृष्ण जान गए, बोले भाभी ने जो मेरे लिए भेंट भेजी है ना उसको लाओ क्या है, तो कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, बोला कुछ तो बगल में छुपाए हो, तो दे दी पोटली, तो एक मुट्ठी चावल खाया तो एक लोक दान में चला गया, दूसरा मुट्ठी खाया तो दूसरा लोक चला गया, तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे तो उनको उनकी पत्नी ने रोक दिया कि अब क्या तीनों लोग इनको दे दोगे। तो ये कथा, और हुआ ये कि बाद में जब कथाओं में है ये कि जब आप जब सुदामा वापस गए तो देख रहे हैं कि जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहां तो कोई बड़ा महल हो गया है, तो पहचान ही नहीं पा रहे, अपनी ब्राह्मणी को भी नहीं पहचान पा रहे, लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ एक हमारी झोपड़िया थी और हमारी पत्नी ब्राह्मणी थी तो कहाँ है, तो पता कर रहे हैं यही तुम्हारा महल है, तो जा करके कोई जाके उनकी ब्राह्मणी को बुला के लाता है, तब वो कहती है कि मैं ही हूँ मुझे पहचानो, तो कृष्ण ने तो ये सब दिया है, बनवाया है सब। तो आप देखिए कि कृष्ण ने मदद भी की, लेकिन कृष्ण ने ये जताया नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कहा नहीं कि मैंने वहां ये सब कर दिया, ये है मित्र भाव। कोई जात पात का, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता मित्रता में, ये भी बात समझनी चाहिए, इससे भी बाहर आना चाहिए। और खेल में हार जीत नहीं होती, हार कर रूट कर बैठ के खेल बंद नहीं करना चाहिए, ये इस पद में हम पढ़ रहे थे। मैं वापस आपको वो पद पूरा कर देती हूँ जहाँ मैंने बीच में आपको कथा सुना दी, और एक दूसरी कथा भी आई थी गिरधर वाली, वो भी मैंने आपको बताई थी कि कैसे उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए जो है वो अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत, आपको मालूम है क्या वो कथा, सुना देती हूँ संक्षेप। जी मैम, हमारे पास समय है। समय है हाँ, जी आप हमारे सुन लीजिए छोटी सी, जिन बच्चों को नहीं मालूम उनको जानना चाहिए। तो वो गोवर्धन इंद्र बड़े, कृष्ण बड़े, बड़ा क्रश हो गया कि भाई कृष्ण की इतनी पूजा कर रहे हैं तो इंद्र ने थोड़ा परीक्षा लेनी चाहिए, तो खूब जो है वो वर्षा हो गई, और इतनी वर्षा हो गई सब डूबने लगा, तो कृष्ण के होते हुए कृष्ण के लोग डूब जाएं ये तो संभव नहीं है, तो सब गोवर्धन पर्वत उठा लिया उन्होंने और सबको कहा कि आ जाइए इसके नीचे, तो पूरी जनता सब पूरे ब्रजवासी सब जो थे वो गोवर्धन पर्वत छोटी वाली उंगली पर, उन्होंने आप कई जगह उनकी फोटो देख रहे होंगे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, इसलिए उनको गिरधर कहते हैं, गिरी माने होता है पर्वत। और उसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा भी होती है, तो उसमें लोग अपने घरों में तरह तरह से उसका वो पूजा मनाई जाती है, तो ये कथाएं हैं प्रचलन में, और जो लोक में कथाएं हैं वो हमारे साहित्य में है, साहित्य जो है वो लोक से अलग नहीं है। तो जब आप पढ़ें तो अपने आसपास की चीज़ों को पर जरूर गौर करें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उससे जुड़ा हुआ है, ये तीज त्यौहार और ये जो जो कथाएं आप सुन रहे हैं वो सब साहित्य में दर्ज हैं, और दर्ज केवल यूं ही नहीं है, उनमें आपका मानवीय मूल्य है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हार जाएं तो जीतने वाले के दुश्मन हो जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपके प्रेम में आप किसी को बहुत चाहते हैं और किसी तरह अगर वो आपका आपको समय नहीं दे पा रहा है तो आप उसके दुश्मन हो जाएं। आप भाषा में तर्क कर सकते हैं लेकिन आप हिंसक नहीं हो सकते। ये मानवीय मूल्य भी आपको समझिए, साहित्य कहीं ना कहीं आपको उससे भी जोड़ता है और एक आनंद देता है। वही फिर मैं उसी बात पे आ जाती हूँ कि मुरली तऊ गोपालई भावती, मुरली का जो आनंद है जो संगीत है वो आपके अंतस में उतरेगा अवश्य, आप थोड़ा सा उसमें डूब के देखिए। तो ये हमारा पद तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो मैं उधर चलती हूँ, आपको ले चलती हूँ जी, खेलन में को काको गुसैया जी। एक बारी मैं इसको संक्षेप में कर लूं, फिर आपके कोई प्रश्न हो तो अंत में देख लीजिएगा यदि समय बचता है हमारे पास। खेलन में को काको गुसैया, हरी हारे जीते श्रीदामा, बर बस ही कत करत रिसैया। रिसैया मैंने आपको बताया था, रिसैया माने क्रोध। तो खेलन में को काको गुसैया माने स्वामी, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। हरी हारे जीते श्रीदामा, हरी हार गए, हरी माने कृष्ण, और सुदामा वही सुदामा मित्र जो मैंने आपको कथा सुनाई वो जीत गए, तो कृष्ण व्यर्थी गुस्सा कर रहे हैं। जाति पाति, अब सुदामा के तर्क,
कि जात पात में हमसे बढ़ना ही, हमसे आप बड़े नहीं है जात पात में, क्योंकि ब्राह्मण है, बड़े तो हम हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, ना हम तुम्हारे नियंत्रण में रहते हैं, तुम्हारे क्षेत्र में रहते हैं। बस एक ही बात है जिसके कारण तुम ज्यादा अधिकार जना सकते हो, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया, क्योंकि तुम्हारे नंद बाबा के पास गायें ज्यादा हैं, बस यही एक बात का अधिकार तुम जता सकते हो। फिर कहते हैं रूठई करे तासो को खेले, उसके साथ कौन खेले जो खेल में रूठ जाता है, तो फिर कोई नहीं खेल रहा है, सारे ग्वाल वाल उनके बाल सखा मित्र कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा और खेल हो गया बंद। अब कृष्ण को ये बात तो अच्छी नहीं लग रही क्योंकि खेल तो चलना चाहिए। तो सूरदास कहते हैं कि प्रभु खेलोई चाहत, प्रभु माने कृष्ण खेलना चाहते हैं, दाऊ दियो कर नंद दुहैया। तो फिर वो नंद बाबा की दुहाई देकर दाव देते हैं। दाव देना माने होता है, दाव खेलना माने अपनी पारी खेलना, अपनी बारी, क्योंकि वो खेल नहीं रहते ना, रूठ के बैठ गए, फिर वो अपनी पारी खेलते हैं और इस तरह खेल जो है दोबारा शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि ये बच्चों की लड़ाई ऐसी होती है कि रूठ गए और खुद ही मान लिए। अभी हो सकता कोई बड़े लड़ रहे होते तो दोबारा इतनी जल्दी खेलना शुरू नहीं करते। तो इस तरह आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि सूरदास जो है बाल मनोविज्ञान के और स्त्रियों के मनोविज्ञान के भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो गोपियां किस तरह ईर्ष्या कर रही हैं प्रेम में, उसका भी बहुत अच्छी तरह चित्रण उन्होंने आपको प्रस्तुत किया है। जी, तो ये तो रहे हमारे आज के दो पद। मैम, इनके अलावा कुछ और आप जो हमारे बच्चों को जाते जाते बताना चाहें, सूरदास की रचनाओं की कुछ विशेषता जो आप उनके साथ साझा करना चाहें मैम? सूरदास की और रचनाएं आप जरूर देखें, आपके कोर्स में है। भ्रमर गीत सार में आप जाएंगे ना, अभी तो आपने इसमें ये देखा कि सुदामा तर्क कर रहे हैं और गोपियां जो हैं वो मुरली से ईर्ष्या कर रही हैं। भ्रमर गीत सार में आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि गोपियां जो हैं वो उद्धव से इतने तर्क कर रही एक भंवरे के माध्यम से। उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, मथुरा से उनके लिए संदेश लाए हैं गोपियों के लिए कि तुम जो है वो योग करो, कृष्ण के प्रेम में विरह में क्यों पागल हुई जा रही हो। तो गोपियां इतने तर्क देती हैं उद्धव को कि अंततः उद्धव हार मान के चले जाते हैं। उद्धव मन ना ही दस बीस, और तुम्हारा योग तो कड़वी ककड़ी है हमारे लिए। तो बच्चों ने पढ़ा है 9th class में, जिन बच्चों ने कक्षा 9 में जिन्होंने हिंदी पढ़ी है तो उन्होंने ये जरूर उसमें पढ़ा होगा। और एक और बात बताती हूँ, सोचते हैं लोग कि कोई धन की भी कोई बात इसमें है, रसखान जो है वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त और ब्रज के इतने बड़े मोहक, वो कहते हैं कि मुझे अगले जन्म में अगर कहीं जन्म लेना हो तो मैं ब्रज में जन्म लूं, अगर मैं कृष्ण से प्रेम करूं, यमुना के किनारे रहूं, जबकि वो तो एक मुस्लिम है। तो भक्ति का भाव, कृष्ण का भाव, लोग रम जाते हैं कृष्ण के प्रेम में, और ये कहीं जो भी इससे जुड़ता है वो उससे अछूता नहीं रह पाता है। मैं समझती हूँ कि आपको कृष्ण और सूरदास और उनका भक्ति भाव और उनकी मुरली, उनकी गोपियाँ, उनके सखा, कुछ कुछ तो समझ में जरूर आए होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि मैम उन्हें बहुत अच्छे से और पूरा समझ में आया होगा, आपने इतने अच्छे से विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये रही हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन भारद्वाज, और सूरदास के पदों पर चर्चा की जा रही थी, और हमारे आशा है कि आपको ये पूरा सत्र बहुत अच्छे से समझ में आया, पसंद आया, आप पूरे सत्र में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। आप कहीं मचे बने रहिए पीएम ई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।